जम्मू के हालात खराब करना बंद करो, बंद करो। जम्मू के हालात खराब करना बंद करो, बंद करो। जम्मू के हालात खराब करना बंद करो, बंद करो। आरजी एडमिनिस्ट्रेशन हाय हाय, आरजी एडमिनिस्ट्रेशन बंद करो, बंद करो। जम्मू के हालात, बंद करो। जम्मू के हालात खराब करना बंद करो, बंद करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी मेरा नाम अजय सिंह सैनी है, मैं एकजुट पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि जो एक वाक्य कल हमारे सामने आया है साइंस कॉलेज का, जिसमें बच्चों को पुलिस द्वारा उठा लिया गया है। बच्चों ने वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन को ये जताने की कोशिश की है, उनके संज्ञान में ये चीज़ लाने की कोशिश की है कि जिस तरह हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और सामने ही एक जो मस्जिद है वहाँ से लाउड स्पीकर की आवाज़ इतनी ज़्यादा आती है कि हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उस चीज़ को देखते हुए जब उन्होंने समय समय पर अवगत करवाया एडमिनिस्ट्रेशन को, एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर संज्ञान नहीं लिया तो बच्चों को मजबूरी में हनुमान चालीसा पढ़ के दिखाना पड़ा। हमारे जम्मू को भी जगाना पड़ा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी जगाना पड़ा और कॉलेज प्रशासन को भी जगाना पड़ा कि आप इस पर संज्ञान लीजिए, यहाँ बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। तो देखिए, जब वहाँ पे संज्ञान लेना चाहिए था, लाउड स्पीकर हटाने चाहिए थे, हालांकि ऑर्डर पास हुआ है पर उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। बच्चों ने हनुमान चालीसा की, वहाँ पर एकदम से ये पुलिस आती है और उनको इस तरह से उठा के लेके जाती है जिस तरह उन्होंने पता नहीं कौन सी इलीगल एक्टिविटी की होती है। ये वही ये पीर बाबा है जो भी है, जब पुलवामा अटैक हुआ था उस वक्त भी साइंस कॉलेज के स्टूडेंट्स को अंदर से पत्थर मारे गए थे। तो यहाँ पे तो यहाँ से इलीगल एक्टिविटी भी की जाती है, पर हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर एक ऑर्डर निकला है 30, उसमें साफ साफ कहा गया हुआ है कि एक परिसर के अंदर आप एक आवाज को इतना ही रखें जिससे बाहर सराउंडिंग्स में किसी को भी मुश्किल ना आ सके, तो आप इस चीज को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? और सबसे बड़ी नाकामी हमारी यहाँ की सरकार की है जो इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करवा रही। आप ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं करवाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं करवाएंगे तो यहाँ पे लोगों में आप पे विश्वास कैसे बढ़ेगा? अगर आज वो ऑर्डर इंप्लीमेंट हुआ होता तो आज बच्चों को वहां बैठना नहीं पड़ता। और मेरा जो एक नजरिया मैं देख रहा हूँ वो ये है कि इन लोगों ने बच्चों को उठा के जम्मू में ये दिखाने की कोशिश की है कि आप लोग अगर जम्मू में कॉलेजेस में अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आप लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। हम बताना चाहते हैं कि जम्मू मंदिरों का शहर है, जम्मू एजुकेशन हब नहीं है। जम्मू एजुकेशन हब इसलिए भी नहीं है, आज बच्चों को यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए दरबदर होना पड़ता है। ये वाक्य अलग है, मैं बात उसी पे करूंगा कि आज बच्चों को इस तरह यहाँ से उठाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पर कि जम्मू में आप चालीसा नहीं पढ़ सकते। अरे मंदिरों का शहर में चालीसा नहीं पढ़ेंगे तो हम पाकिस्तान में जाके पढ़ेंगे? ये चीज हमारे सरकार को सोचनी चाहिए। सरकार इससे एक्शन ले, अगर सरकार इसी तरह रहेगी तो हम आने वाले समय में रोडों पर भी चालीसा पढ़ेंगे और जहां हमें अच्छा लगे हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ये मंदिरों का शहर है।